हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट यानी श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। दूसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पिछले व्याख्यानों में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम इस अधिनियम के अंतर्गत 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें है पहला भारत में व्यवसाय संघ विधायन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन। दूसरा व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तीसरा व्यवसाय संघों का संवैधानिक स्वरूप, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले है भारत में व्यवसाय संघ विधायन का इतिहास। जब हम इसे प्रारंभ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के पश्चात 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं ने विश्व स्तर पर श्रम आंदोलनों को गति प्रदान की थी। प्रथम, सोवियत रूस में जारशाही शोषक राज्य को समाप्त कर बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत श्रम संघों को समस्त संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरी घटना 1920 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उदय होना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व के मजदूरों की अमानवीय दशा को सुधारने का संकल्प किया और भारत भी इन घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, और भारत में भी श्रम संघों ने श्रमिकों की दयनीय दशाओं में सुधार के लिए सामूहिक संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1923 में मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास वस्त्रोद्योग श्रमिक के पदाधिकारियों के विरुद्ध बिन्नी कंपनी के प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत किए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में आदेश देते हुए कहा कि संघ के पदाधिकारियों को इस बात के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि वे कर्मचारियों को काम पर न लौटने के अपने निर्णय द्वारा नियोजन की संविधा को भंग करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। वस्तुतः इस मामले में व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों को अभियोजन एवं कारावास के सुपुर्द करना पड़ा। यद्यपि उन्होंने श्रम संघ विषयक मान्य उद्देश्यों एवं क्रियाकलापों में भाग लिया था,
इस घटना से उन्हें इस तथ्य का आभास हुआ कि श्रमिक संघों को विदायनी संरक्षण प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। तत्कालीन श्रमिक नेता श्री एनएम जोशी ने केंद्रीय विधानसभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें यह मांग की गई कि श्रमिक संघों एवं पदाधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रभावपूर्ण विधि का होना नितांत आवश्यक है। यद्यपि यह प्रस्ताव नियोजकों को पसंद नहीं आया, फिर भी सन 1926 में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 पारित कर दिया गया। यह अधिनियम 1 जून 1927 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम में सन 1929 और 1947 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियमों के द्वारा परिवर्तन किए गए। इसके पश्चात श्रम समिति के द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर एक व्यवसाय संघ विधेयक 1950 भारत के संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें नियोजकों एवं श्रम संघों को मान्यता देने के लिए नवीन उपबंध प्रस्तुत किए गए, परंतु ये प्रस्ताव पारित न हो सका। उसके उपरांत 1952 में श्रमिक सम्मेलन में व्यवसाय संघों के संबंध में एक उपयुक्त विचारधारा प्रस्तुत की गई और आगे चलकर 1960 में अधिनियम की धारा 2(6), धारा 3, 4, 6, 14 और 28 में संशोधन भी किए गए और पुनः 1964 में परिवर्तन किए गए। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रमिकों के अनुशासन के संबंध में अनुशासन संहिता का उल्लेख किया है, जिसमें व्यवसाय संघों के गठन, पंजीकरण और मान्यता प्राप्त संघों के अधिकारों, अनुचित श्रम अभ्यासों, हड़तालों और तालाबंदी पर प्रतिबंध इत्यादि विषयों पर अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत 1977 के निर्वाचन के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों में जनता पार्टी का शासन प्रारंभ हुआ। जनता सरकार ने प्रारंभ में ही एक विधेयक, औद्योगिक संबंध विधेयक का प्रारूप तैयार कर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एवं औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की जगह 1946 को एक जगह संकलित कर उसमें बुनियादी परिवर्तन का प्रस्ताव किया था और 30 अगस्त 1978 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए औद्योगिक संबंध विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें श्रमिक संघों के गठन व पंजीकरण की शर्तें, पंजीकृत श्रम संघों के अधिकार तथा दायित्वों के व्यापक उपबंध किए गए हैं। इस विधेयक को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभी व्यवसाय संघों ने इस विधेयक का विरोध किया। जनता सरकार के केंद्रीय शासन में न रहने के फलस्वरूप यह विधेयक अधर में पड़ा हुआ था। 1/12/1992 को दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में नए औद्योगिक संबंध में विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा
यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप अविलंब तैयार किया जाए तथा आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार इस विधेयक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के उद्देश्य। श्रम संघों का उद्भव एवं विकास औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं के निवारण के लिए हुआ है। यह वर्तमान औद्योगिक जीवन की अभिन्न एवं अनिवार्य इकाइयां हैं। इसके बिना आज उद्योग धंधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। औद्योगिक जीवन के इस आधारभूत स्तंभ की अनिवार्यता का बोध श्रम संघ आंदोलन के इतिहास पर सूक्ष्म एवं विहंगम दृष्टि डालने से ही हो जाता है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 एक ऐसा अधिनियम है जो व्यवसाय संघों के पंजीकरण के लिए अवसर प्रदान करता है। अधिनियम एक यूनियन के संविधान व कार्यप्रणाली सामान्य एवं राजनीतिक कोष के उपयोग वार्षिक विवरण के प्रस्तुतिकरण और ऐसा न करने की स्थिति में दंड के लिए न्यूनतम नियम प्रस्तुत करता है। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों ने नियम बनाए हैं एवं पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने व वार्षिक विवरणों आदि को प्रस्तुत करते समय संघों द्वारा इन नियमों का संदर्भ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। श्रम संघ नियुक्ता के साथ किसी भी प्रकार के औद्योगिक विवाद का हल निकालने के लिए हड़ताल कर सकते हैं अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निर्धारित प्राधिकारी से समझौता वार्ता एवं अन्य कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। श्रमिक संघ श्रमिकों की ओर से औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस संदर्भ में श्रम संघ के प्राधिकारियों को श्रमिकों की ओर से मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी भुगतान, विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष एवं न्यायालयों में उपस्थित न होने के लिए एवं श्रमिकों की ओर से न्यायाधिकरणों में वाद लड़ने के लिए अधिकृत किया गया है। वर्तमान औद्योगिक प्रगति के युग में श्रमिक का संगठित होना अनिवार्य है। इनके संगठन किस प्रकार बनाए जाएं, उनका पंजीकरण किस प्रकार किया जाए और पंजीकृत श्रमिक संघों एवं उसके पदाधिकारियों के क्या विशेष अधिकार होंगे आदि प्रावधान इस अधिनियम में समुचित रूप से किए गए हैं। श्रमिक संघ श्रमिकों के सर्वांगीण विकास एवं हितवर्धन हेतु लोकतांत्रिक ढंग से सामूहिक कार्यों के माध्यम से निरंतर कार्य करने वाले स्थायी संगठन है। इनका तत्कालिक प्रत्यक्ष एवं सर्वप्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों अर्थात श्रमिक समुदाय के आर्थिक हितों की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि करना होता है। सीमेंस इंडिया लिमिटेड बनाम सीमेंस कर्मकार यूनियन के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि व्यवसाय संघों का मूल उद्देश्य कर्मकारों की हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है, न कि स्वयं व्यवसाय संघ का संवर्धन। उपरोक्त वाद में नियोजक द्वारा कर्मकारों की पदोन्नति के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसे कर्मकारों ने बहुतायत के आधार पर स्वीकार किया, परंतु उद्योग के संबंध में यूनियन द्वारा पदोन्नति
की खिलाफत की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन की उपरोक्त कार्रवाई को निरस्त किया गया तथा प्रार्थी नियोजक को यह आदेश दिया गया कि पदोन्नति की आड़ में वह किसी कर्मचारी की छटनी नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार पूना कर्मचारी यूनियन बनाम फोर्स मोटर लिमिटेड 2016 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की उद्देशिका तथा अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त श्रम संघों को न केवल सामूहिक सकारात्मक प्रयास श्रम संघों को न केवल सामूहिक सकारात्मक प्रयासों का बढ़ावा देना चाहिए अपितु अनुचित श्रम अभ्यासों के विपरीत नियमों का भी निर्माण करना चाहिए तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए श्रम न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वांछित उद्देश्यों के अनुसार श्रम संघों का पंजीकरण करें तथा अनुचित श्रम अभ्यासों के लिए प्रावधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। अब है व्यवसाय संघों का संवैधानिक स्वरूप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के अधीन भारत के नागरिकों को संस्थाएं व संघ बनाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में विभिन्न संस्थाओं, संघों तथा श्रमिक संघों की आवश्यकता होती है, जिससे वे राज्यों की निरंकुशता तथा अलोकतंत्रीय कार्य पद्धति पर रोक लगा सके। अनुच्छेद 19(1)(ग) के अधीन निर्मित की जाने वाली संस्थाएं व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन कार्यों के लिए हो सकती है। इस अधिकार में केवल संघ अथवा संस्थाएं बनाने का अधिकार मात्र ही सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सुचारू रूप से संचालित करना तथा उन्हें अनवरत रूप से जारी रखने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसी भांति नागरिकों को व्यवसाय संघों की सदस्यता प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार है। अन्य स्वतंत्रताओं की भांति व्यवसाय संघ बनाने की स्वतंत्रता भी निरपेक्ष नहीं है। नागरिकों की इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा निम्न आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन स्थापित किया जा सकता है। पहला, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। दूसरा, लोक व्यवस्था। एवं तीसरा, नैतिकता। इस संबंध में बाल कोटिया बनाम भारत संघ के मामले में प्रार्थी को एक सर्विस रूल के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी या श्रमिक संघ का सदस्य होने के नाते नौकरी से निकाल दिया गया था। प्रार्थी ने न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसे सेवा से निकालकर वस्तुतः उसके संघ बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अब भी निर्धारित किया कि पद से हटाए जाना या पदच्युति आदेश अनुच्छेद 19(1)(ग) के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आदेश प्रार्थी को कम्युनिस्ट बनाने या श्रमिक संघ का सदस्य बनने से मना नहीं करता। प्रार्थी को संघ बनाने का मूल अधिकार है, परंतु उसे राजकीय सेवा में बने रहने का कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल करने या तालाबंदी करने का कोई अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ
बनाम राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण मुंबई मुंबई 1962 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार उदारता से निर्वचन करना एक व्यवसाय संघ बनाने के अधिकार का उदारता से निर्वचन करना एक बात है और उसके सहायक अन्य अधिकारों का सृजन करना दूसरी बात है। हड़ताल, तालाबंदी आदि सभी व्यवसाय संघों द्वारा सामूहिक सौदेबाजी करने का एक साधन मात्र है। इन सबका अनुच्छेद एक गे से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, अतः विधि द्वारा उन सब पर प्रत्यक्ष से निबंधन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यवसाय संघ बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार का यह तात्पर्य नहीं कि संघ बनाने की संघ के उद्देश्यों को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। इसी प्रकार कुलकर्णी बनाम बंबई राज्य 1954 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी अवधारणा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कोई विधि यह उपबंधित करती है कि किसी उद्योग का केवल वह श्रमिक संघ जिसे प्रतिनिधि श्रमिक संघ माना गया है तथा जिसमें उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कम से कम 15% सदस्य हों, तो ऐसे श्रमिक संघ को औद्योगिक विवाद निपटाने की दृष्टि से प्रतिनिधि व्यवसाय संघ माना जाएगा। ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के अनुसार असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों के संघ बनाने के अधिकार पर किसी भांति का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रोफेशनल वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर बनाम भारत संघ 2012 के बाद में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्रवाई लंबित थी तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा BIFR के समक्ष व्यवसाय संघ को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि याचिकाकर्ता यूनियन को आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार बनाए जाना आवश्यक है ताकि वे कंपनी के पुनरुद्धार हेतु अपने पक्ष को BIFR के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता यूनियन की मांगों के संबंध में अवधारणा प्रतिपादित नहीं की और कहा कि सभी संबंधित तथ्य BIFR के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। धन्यवाद।